बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन जोहार नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोरमन के बहुत बहुत स्वागत है। जैसन कि रोरमन जानिला हर हफ्ता हम रोरमन ले नवा नवा और बेस बेस जानकारी लेके आविला। उसने में से एक आज खास जानकारी है, ये जानकारी हम गुमला जिला कर खोरहा जाम टोली से लेके आए हैं। तो खोरहा जाम टोली का जो मतलब जानकारी है ये हमारे बाद में देखब, अखन हमारे लेब जानकारी, ये जानकारी लेब हमारे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रहे हैं देश के किसान। मिट्टी जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए करें बीजोपचार। हिल पर बीज बुआई के लिए बेहतर है नवीन डिबलर। यूं तो देश के किसान भाइयों के लिए खेती बारी से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है और किसान उससे लाभान्वित भी होते हैं। ऐसी ही एक नई योजना की शुरुआत कृषकों के लिए इसी वर्ष 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की न्यूनतम आय दी जाएगी। ये राशि 2,000 रुपए करके 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होंगे। योजना की पहली किस्त योजना की शुरुआत के साथ किसानों को भेजे जा चुके हैं। किसी भी फसल की बुआई से पूर्व यदि बोए जाने वाले बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित रोगों से छुटकारा मिल जाता है और बिना व्यवधान के बेहतर फसल ले सकते हैं। कवक रोग, उकटा रोग, मुरझा रोग जैसे मिट्टी जनित एवं बीज जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बेविस्टीन इत्यादि दवाओं द्वारा बीजों को उपचारित करना लाभकारी होता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पूर्व बीज उपचार करना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम बीज उपचार नहीं करेंगे तो बीज जनित जितने भी रोग हैं, खासकर कवकनाशी रोग और कीट रोग, वो उसमें ज़्यादातर लगते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे विल्ट रोग हुआ या उकठा रोग हुआ या पीले धब्बे का रोग हुआ, ये सब बीज जनित होते हैं, क्योंकि शुरू में तो दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन बाद में जाके फसलों पर बहुत अधिक प्रभाव करते हैं और कभी कभी 50-60% तक फसल को नष्ट कर देते हैं। इसके लिए है कि हम उचित मात्रा में बीज उपचार करें। इसके लिए एक कार्बेंडाजिम या जिसको बवेस्टिन कहते हैं, 2 ग्राम प्रति किलो की दर से हम उपचारित कर लें और उपचारित करने के बाद ही हम बुआई करें। चाहे हम कुछ भी अगर खेत में लगा रहे हैं, चाहे धान है, गेहूँ है, फसल है, सब्जी है, तो हम सबसे पहले बीज उपचार कर लें, इसके बाद ही हम खेत में बोएं। खरीफ में जो किसान भाई मक्का लगाना चाहते हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा मक्का के अनुशंसित प्रभेद है गंगा के 25 और कंचन। ये प्रभेद खासकर झारखंड प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाती है। राज्य के कृषक मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गंगा के 25 और कंचन ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। ये झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है। लगभग 80 से 85 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीज की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 35 से 40 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने गर्मा सब्जियों की फसल जैसे कद्दू, करेला, झींगी इत्यादि लत्तेदार सब्जियां लगा रखी है, उनमें यदि शीर्ष भाग में काले धब्बे हो रहे हैं तो ये काफी नुकसानदायक है। ऐसी स्थिति में सब्जियों की बढ़वार अच्छी नहीं होती है। आइए बेहतर तकनीक में जानते हैं लत्तेदार सब्जियों में इस रोग के नियंत्रण के आसान उपाय। अभी जो गर्मा फसल में जो सब्जी में लगने वाले
रोग और कीट का जो प्रबंधन काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जिस तरह से यदि कद्दू में अभी आप कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं उनमें यदि आप देखें कि उसके जो शीर्ष भाग काले हो जा रहे हैं तो उसमें आप कार्बेंडाजीम जिसको बेबेस्टीन के नाम से आता है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला के शाम के समय में पूरे पौधे पर छिड़काव करें, ये काफ़ी अच्छा होगा और जो फफूंद वाली बीमारियां हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। मान लिया कि टमाटर है, उस टमाटर में गोल गोल धब्बा अल्टरनेरिया ब्लाइट का आ जाता है तो किसान भाइयों एक साफ दवा है, उस साफ दवा को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला के शाम के समय में आप पूरे पौधे पर स्प्रे कर दें तो इससे काफ़ी अच्छा होगा। साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा जो एक जीवित फफूंद है और इससे किसी तरह के रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आते हैं तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। हिल पर बीजों की बुआई करनी हो तो कृषक नवीन डिबलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपकरण बहुत ही कम समय और मेहनत में बुआई कार्य करने में सक्षम है। इस उपकरण को नवीन डिबलर कहा जाता है। ये उपकरण एक दिन में लगभग 3,200 हिल पर बीजों की बुआई करने में सक्षम है। इस नवीन डिबलर उपकरण के इस्तेमाल से किसान बहुत ही कम समय में बुआई कार्य खत्म कर सकते हैं। ये उपकरण विसर्व कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोर मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में रोनिंग मन के पता लग लग। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम कर, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और जानकारी देवा थी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद एक बार रौरमन के फिर से स्वागत है। तो चलो रौरमन की जानकारी दिवा थी। आज का जो जानकारी है ये बहुत अहम है और ख़ास है। ये महिला किसान कर जानकारी है। महिला किसान जो हैं इनके कैसे पता अलग अलग बिरसा मुंडा आम बागवानी कर बारे में इकर बारे में। तो ये जो इतवारी देवी रहें एगो महिला मंडल से जुड़ लें और महिला मंडल का नाम है गुलाब महिला मंडल। तो हुए इनके पता लगलक कि भाई बिरसा मुंडा आम बागवानी जो है करे से बहुत फायदा है और जानकारी लेवल बाद कि का करना है कि अपन बंजर भूमि में 105 आम कर पौधा लगा लें और उकर देखभाल करत हैं, खाद देवत हैं, पानी देवत हैं। तो चलो इकर बारे में जानकारी लेव। सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। खासकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई रखी हैं। इन्हीं योजना में एक है बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना। मनरेगा योजना के तहत संचालित बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना से आज महिलाएं अच्छी आमदनी कमा रही हैं। आज हम आप पहुँचे हैं गुमला जिला के खोरा जामटोली में, जहां की महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं, इतनी जागरूक हो गई हैं कि समूह बनाकर बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुट गई हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुटी, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया, आर्थिक रूप से कितनी सशक्त हुई, इस योजना का लाभ कैसे मिला। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इतवारी देवी है दादा। इतवारी देवी, क्या करती हैं आप? हम तो ऐसे खेती बाड़ी करते हैं और हाँ बैठक करते हैं और यही सब सोच विचार करते हैं। और हम लोग को लगा कि आम बागवानी लगेंगे तो सही विकास करेंगे इसके। समूह का नाम क्या है? गुलाब महिला मंडल। गुलाब महिला मंडल जी। समूह कब बनाई आप लोग? 4 साल पहले दीदी लोग जुड़े थे, हम लोग लेट में जुड़े हैं इसलिए 3 साल हुआ है हम लोग। तो कैसे मैं विचार कैसे आया कि आप लोगों को समूह बनाना है? समूह बनाएंगे तो सही आगे बढ़ेंगे, मिल के रहेंगे तो हर चीज़ का सामना करेंगे, जैसे कि समझौता भी करेंगे, ये सब सोचे और समूह बनाए। समूह बना जी। तो समूह बनाकर आप लोग बिरसा मुंडा आम बागवानी से जुड़ गई हैं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे आम का पौधा लगाए हुए हैं। तो कैसे जानकारी कैसे मिली इस योजना के बारे में? जानकारी दादा लोग आए, जुगल दादा लोग आए और समझाए, बैठक में आए और समझाए और बताए। क्या बताए और यही कि दीदी आप लोग लगे ऐसे कीजिए, बागवानी लगाइए और बोले और समझाए बैठक में सब दीदी को। फिर हम लोग की भी रुचि आया, फिर लगाने का विचार किए, फिर दादा लोग का सहयोग से लगाए। यहाँ पे जिस जमीन पर लोग खड़ा है उस जमीन पहले कैसा जमीन था ये? पहले बंजर था दादा, जमीन खेती बाड़ी नहीं होता था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता था। तो फिर कैसे ये संभव हो पाया कि यहाँ पे आम का, आज देख रहे हैं कि आम का पौधा लगा हुआ है? तो दादा लोग का सहयोग से हुआ है, दादा लोग आए समझाए उसी का आधार से करे तो अभी तक तो अभी हो गया उपज जैसे जमीन और आम बागवानी जी। 105 पौधे। दीदी लोग तो आएंगे हमारे पास और दादा लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास को समझाते हैं हमको, उसी तरह हमारे पास आएंगे तभी ना दीदी लोग भी अगले लगाएंगे और उसको समझा सकेंगे। घर घर में तो जाकर नहीं ना समझाएंगे, मगर इसीलिए हम लोग एकजुट किए और बैठते हैं दीदी लोग और दादा लोग को जानकारी हुआ कि दीदी लोग वहाँ बैठती है तो वहाँ समझाने में आसान होगा, बोलकर आइए। सरकार द्वारा ऐसी योजना का मकसद ग्रामीणों के आय में इजाफा करना है और बंजर भूमि को हरियाली से परिपूर्ण कर देना है। इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को चलाया जा रहा है। दादा लोग दिए हैं, विकास भारती तरफ से सहयोग मिला, उधर से देते हैं, मतलब कि नरेगा तरफ से मतलब दादा लोग का सहयोग से मिला और गड्ढा का भी मिलता है पैसा मिला। क्या क्या सहयोग मिला है दर्शकों को बताइए इसमें आपको? गड्ढा खोदने का भी सहयोग मिला, लगाने का भी सहयोग मिला, घेरा का भी मिला, मतलब कि खाद भी मिला, दादा लोग समझाने भी सिखाने भी आते हैं, समय से दवाई से देना पड़ता है, इसे कीजिएगा इसे होगा, मतलब कि कौन समय में क्या देना है, ब्लू कोपर देना है, कौन समय में कीटनाशक देना है उसको बताते हैं, जब लगेगा तो इसमें ऐसे दीजिएगा बोलकर आते रहते हैं, समझाते रहते हैं। हमको तो लगता है बहुत बदलाव आ गया, जैसे लगता है मेरा जीवन पहले क्या स्थिति थी आपकी? पहले तो इतना स्थिति नहीं था, अभी लगता है कि बागवानी देख के आगे जाके सही तो और ज़्यादा ही अथी हो जाएगा, जैसे लगता है जो भी हम लोग का सपना है वो सपना पूरा होगा जैसे लगता है। और वही सोच ले के लगाए हैं दादा लोग से सहयोग लेके। हम देख रहे हैं कि आम के पौधे के लाए बहुत सारा खाली जमीन है, तो इस खाली जमीन में क्या करती हैं आप? ऐसे ही पड़ती रहता है कि कुछ खेती करती? अभी तो नहीं किए हैं दादा, बीते साल तो लगाए हैं तो इस बार सोचे हैं इसमें टमाटर लगाएंगे बोलकर बतराते हैं कि दीदी हम लोग लगाए ऐसे ऐसे, मतलब कि हम लोग को लाभ मिल रहा है, आप लोग भी आइए हम लोग का साथ बैठिए और लाभ लीजिए, जो भी मिल रहा है विकास भारती से नरेगा तहत से मिल रहा है तो आप लोग भी लाभ लीजिए और हमारे साथ कदम में कदम चलिए ताकि हम लोग का गाँव एक तरह रहेगा, एक तरह विकास करेंगे सब गाँव में रह के,
यही सब कहते हैं। अब ये पौधा रोपण किए, इसको देख रेख भी करना पड़ता होगा जी, करते हैं। कौन कौन लोग आपका सहयोग करते हैं आपके घर के लोग? हम लोग तब सब दिन करते हैं, जो भी रहता है, मेरा बेटा है, दो मेरा बेटा है, बेटा लोग भी रहते हैं तो सहयोग देते हैं, और हम लोग दोनों पति पत्नी हैं जी। कितने क्लास से पढ़ाई लिखाई की? हम नहीं किए हैं दादा, बस नहीं नहीं, तीसरा तक, फिर मजबूरी था मेरा घर में, इसलिए नहीं पढ़े लिखे कर सके। खेती गृहस्थी की बात करते हैं, आप यहाँ पौधारोपण भी किए हुए हैं, घर में खाने के लिए सब्जी का उत्पादन भी करते हैं, तो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। कहाँ से मिला प्रशिक्षण आपको? कौन बताया कि कैसे खेती करना है, कितना पानी डालना है, कितना खाद डालना है? ये जुगल दादा आके बताते हैं कि ऐसे पानी दीजिएगा, ऐसे रोपाई कीजिएगा, ऐसे खाद दीजिएगा, ऐसे करके इसको कोड़ाई कीजिएगा, इतना लीटर पानी दीजिएगा, ये सब दुदल जुगल दादा कहते हैं से हमको जानकारी मिला है। खाद में कौन सा खाद का, रासायनिक खाद देती हैं कि गाय का गोबर देती हैं? जमीन पर गाय का खाद देने से और अथी देने से नीचे मतलब कि उसका रस जाता है, और पौधा मतलब कि ग्रोथ जल्दी उसका होता है, बढ़ता है, हरा भरा होता है, जल्दी बढ़ता है। हाँ, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, पानी कैसे पटाते हैं? सिंचाई से तो खाद दादा हम लोग के पास यहाँ तो कोशिश किए हैं अथी करके, इसलिए लाते हैं तालाब से पानी और पटाते हैं, हर चीज़ फायदा है दादा। वृक्षा रोपने से हम लोग को देहात का आदमी को एक तो पहला आम मिल जाता है पौधा खाने के लिए भी, दूसरा उसके हम इनकम भी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बेच सकते हैं, और जो भी हम लोग का बाल बच्चा का आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। और दूसरा बात, हम लोग तो गाँव में रहते हैं तो उसका हर कुछ भी हम लोग को यूज कर सकते हैं, उसका पत्ता को भी करते हैं, हो सके तो उसका कलम करेंगे तो डाल को भी कर सकते हैं, इसीलिए बहुत तरह का फायदा होता है, प्रकृति के लिए फायदेमंद है। वृक्ष लगाते हैं जी, जी जी, हरा भरा भी रहता है, हरा भरा भी रहता है, प्रकृति के लिए भी, उसके लिए भी और कुछ लिए भी, सब कुछ लिए होता है फायदा। महिलाएं समूह में इस योजना के तहत कार्य कर रही हैं, और पहले जो भूमि पूरी तरह से बंजर थी उसमें फलदार वृक्षों को लगाकर आज अच्छा आय कमा रही हैं। पहले हम लोग का भूमि बंजर था, और पंचायत की तरफ से आए मुखिया, वार्ड, रोजगार सेविका, पंचायत सेविका, वही सब आके देख के बोले कि हाँ आम बागवानी कीजिए, तो हम लोग आम बागवानी किए, उसमें फिर खेती डालेंगे बोल के बोले, फिर खेती डालेंगे। तो आम बागवानी कर रही है, तो कहाँ से पैसा मिला आम लगाने के लिए, आम का पौधा हो, चाहे गड्ढा करना हो, चाहे खाद डालना हो, कहाँ से मिला पैसा ये सब? मनरेगा की तरफ से ही मिल रहा है। मेरे तरफ से मिल रहा है। तो कौन बताता है कि आम में कैसे उसको मतलब कि इसका कितना पानी देना है, उसका देख रेख कैसे करना है? विकास भारती से दादा लोग आते हैं, वही लोग हम लोग को सब कुछ बताते हैं। आपके जीवन कितना बदलाव है, पहले की स्थिति क्या थी आपके घर की और आज की स्थिति क्या है? पहले तो खराबे थी, अभी तो बागवानी करने से अच्छा ही लग रहा है। मुखिया जी, आप इस गाँव के लोगों से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं, और आप एक महिला हैं, और यहाँ की महिलाएं जो हैं महिला समूह बनाकर यहाँ पे बिरसा मुंडा भगवान से जुड़ी हुई हैं, और करीब 35 परिवार के आसपास की महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं। पहले भी आप इस गांव में महिलाओं को देखी होंगी, और जब से इस योजना से जुड़ी हैं महिलाएं, कितना बदलाव नज़र आ रहा है इनके जीवन में? देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। पहले महिला ग्रुप में खाली बैठती थी, काम वो नहीं करती थी। अभी जैसे बिशनपुर विकास भारती तरफ से जो योजना आम बागवानी, बिरसा मुंडा आम बागवानी चला, उसमें काफ़ी महिला जुटे, उसके बाद जुट के एकजुट होके सब कोई अपना अपना वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव रखा, और हम लोग सब कोई मिल के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, बिशनपुर विकास भारती वाला मुखिया, वार्ड, सब मिल के हम लोग इन लोगों को निर्णय किया कि ऐसा काम होना चाहिए, आम बागवानी होना चाहिए, और आम बागवानी के लिए हम लोग रोजगार दिए। वो लोग अपने से गड्ढा खोदा, अपने से काम कर रहा है, पलायन रुका, और अभी खुशी की बात है कि और आदमी लोग लाभुक जागीर, मतलब कि कह सकते हैं कि महिलाओं के जीवन में काफ़ी बदलाव बदलाव हुआ, खुशहाली का माहौल है। हाँ, आप इस गांव की मुखिया हैं, और जो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो भी इस योजना से नहीं जुड़ी हैं, उन महिलाओं को क्या बतलाती है इस योजना के बारे में? उस महिला को हम लोग बतलाते हैं कि आप लोग भी जुड़िए, इसमें बहुत लाभ है, आपको रोजगार मिलेगा, आप पलायन नहीं कीजिएगा, आपका परिवार अच्छा से चलेगा। आम बागवानी योजना में आम के वृक्षों को लगाया जाता है, ताकि उससे वृक्ष में लगे फल को समय आने पर बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सके। सरकार ऐसी योजनाएं में ग्रामीणों को पूरा सहयोग करती है। मेरा नाम बेबी कुमारी हुआ, हम यहाँ BPO हैं, गुमला ब्लॉक, BPO मनरेगा मनरेगा हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बिरसा मुंडा आम बागवानी की, यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं जो समूह बनाकर आम बागवानी का काम कर रही हैं, तो कितना सहयोग आपका रहा है इन महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने में, ताकि वो आर्थिक सशक्त हो सके? हम लोगों का यहाँ पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि हम लोग मनरेगा से आम बागवानी जो बिरसा मुंडा के तहत हम लोग जो देते हैं, इसका हमारा 18-19 का ये पहला हम लोग का सेशन था आम बागवानी का। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग साइट विजिट करते हैं,
और जो जो साइड से बंजर रहता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि आम बागवानी लगा के हम लोग इसको उपजाऊ चाहे तो इसको यूज़फुल बना सकें। और जैसे पहले हम लोग हर पंचायत में जाकर साइट विजिट करके लाभों का नाम इनमें लिस्टेड करते हैं, उसके बाद लाभों को जो जो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं इनको हम लोग आम बागवानी देने के लिए लिस्ट तैयार करते हैं। उसके बाद सबसे पहले इनको हम लोग हर चीज़ बताते हैं, एक प्रशिक्षण देते हैं कि इसमें गड्ढा कैसे करना है, आपको इसमें पौधा कैसे लगाना है, इसमें खाद कब कब डालना है, पौधा लग जाने के बाद इसे खरपतवार हटाने से क्या फ़ायदा है, इसका बाउंड्री इनके खाते में पैसा सीधा इसका जाता है, इसमें जो ये लोग मजदूरी करते हैं तो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जो मजदूरी होता है इसमें इनका टाइम वेस्ट नहीं होता है, अपने बगान पे जाके ये खुद से भी करते हैं और पैसा सीधा इनके खाते में इनको मिलता है। सारा सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया, ये मनरेगा का ये बहुत अच्छा स्कीम है। ये महिलाएं इसमें क्या है कि आत्मनिर्भर बन रही हैं और जैसे टाइम टाइम पे इस पे माइक्रो ये हम लोग जो बीच में लगाते हैं उसमें मटर टमाटर ये सभी लोग लगा के बहुत अच्छा एक इनकम का स्रोत इनका अच्छा बन रहा है गाँव में। महिलाओं के जीवन में बहुत बदलाव आया है क्योंकि देखिए इस बार तो हमारा यहाँ कम से कम हमको लगता है 18-20 लगभग यहाँ लाभुक हुए थे आम बागवानी के। इस बार उनको देख के और महिलाएं भी और जागरूक हो रही हैं और लेना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुई हैं ताकि हम लोग ये तो हमारा बागवानी 3 साल का है, इसके बाद ही हम लोग इससे आम उगेगा, पर जो अभी हम लोग बीच बीच में जो खेती करके पैसा जो कमाएंगे इससे बहुत लाभ है इनको अभी। समूह में महिलाओं के द्वारा किया जा रहा यह कार्य आज पूरे समूह के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है, महिलाओं की आमदनी का यह एक अच्छा जरिया बन गया है। मेरा नाम दीपमाला देवी है, हम गुमला जिला ग्राम पंचायत खोड़ा के रोजगार सेविका हैं। रोजगार सेविका हैं, रोजगार सेविका की बात करते हैं तो आपका मुख्य काम लोगों को रोजगार दिलाना है जी। आप बिरसा मुंडा आम बागवानी की बात करते हैं तो किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलता है? बिरसा मुंडा आम बागवानी की जो स्वीकृति मिली है इसके बाद हम लोग जो ये लोग अपना खेत में खुद गड्ढा कोड़े हैं, गड्ढा खुद ही कोड़े हैं फिर भी हम लोग इनको गड्ढा कोड़ने का भी पैसा दे रहे हैं और साथ में अभी ये लोग चारों तरफ से बाउंड्री करेंगे उसका भी पैसा हम लोग डायरेक्ट इनका खाता में दे रहे हैं और जो पेड़ के लिए एच टेका सब लगा रहे हैं उसका भी पैसा हम लोग डायरेक्ट खाता में दे रहे हैं। इनसे इनका एक तो खुद के खेत में अपना मतलब आम भी लग रहा है और भी जो फल मिल रहे हैं लगाने के लिए वो भी लग रहा है, साथ में आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है इसलिए कि हम लोग अपना ही खेत में काम करने के लिए इनको पैसे देते हैं और ये लोग काम करके अपना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हैं। और यही काम करने के लिए ये लोग पहले बाहर जाते थे किसी और के खेत में काम करते थे लेकिन अब बाहर ना जाके ये लोग अपने ही खेत में काम कर रहे हैं और इनको देख के और लोग भी इस तरह की स्कीम को ले रहे हैं, योजना को ले रहे हैं ताकि अपना ही खेत में काम करें और अपना आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करें और फिर जब ये पेड़ सब लगेगा बड़ा होगा तो इसको बेचेंगे टाउन में जाके। अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो झारखंड की मुख्य समस्या है जो यहाँ के जो पुरुष और स्त्री जो हैं काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं जबकि उनके पास अपना खुद का ज़मीन है फिर भी पलायन हो रहा है, तो इस योजना से पलायन पर कितना लगाम लगेगा? इस योजना से पलायन पे लगाम लगेगा क्योंकि इन लोग को जागरूकता की कमी थी, लोग अपना जैसे खेत है तो अगर बंजर भूमि है तो इन लोग का उतना भी नॉलेज नहीं था कि बंजर भूमि में हम किस तरह का मतलब खेती करें जिससे कि मेरा स्थिति सुदृढ़ हो। हम लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे आते हैं देखते हैं, किसी के पास उपजाऊ भूमि नहीं है सिर्फ बंजर भूमि ही है तो हम लोग बंजर भूमि को भी बोले कि इससे भी आप मतलब इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं और यहाँ पे पेड़ सब लगा सकते हैं। आज महिलाएं पहले से ज़्यादा जागरूक हुई हैं, यही कारण है कि महिलाएं आज किसी भी कार्य में संकोच नहीं करती और विकास के पथ पर पूरी तरह से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। सबसे बड़ी बात आप भी यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं यहाँ पे इस पूरे प्लॉट में भी दिख रही हैं, इनका रुझान बिरसा मुंडा बागवानी योजना के तहत ज़्यादा रहता है क्योंकि ये लोग यहाँ घर में रहते हैं गाँव में रहते हैं, एक तो इनको यहाँ पर रोज़गार मिल जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं आपस में बैठ करके समूह में चर्चा भी करती हैं कि हमको आगे क्या क्या लेना है और इसको देखते हुए हम लोगों ने पहले कुछ लोगों को यहाँ सेलेक्ट किया कि यहाँ पे हम लोग बिरसा मुंडा बागवानी योजना दिया जाए और इसकी ये लोग खेती कर सकें। इसके बाद देखने को ये मिला कि यहाँ पर और महिलाएँ भी इसमें धीरे धीरे जुड़ने लगी हैं। अगर हम सरकार की सुविधाओं की बात करें तो सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है इस योजना के माध्यम से? इस योजना के माध्यम से सबसे अच्छी चीज़ यह है कि एक तो प्लांटेशन, जैसे पहले होता था क्या कि इसमें प्लांटेशन का स्कीम लिया जाता था लेकिन अब इसमें क्या है कि इसको 3 साल तक के लिए मेंटेनेंस का भी प्रावधान रखा गया है,
तो उसमें क्या है कि उसमें से अगर वो पिट डिगिंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसका भी पैसा मिलता है। स्टेकिंग का काम करते हैं उसका भी पैसा मिलता है, और बाउंड्री जो करते हैं उसका भी पैसा मिलता है। इवन यहाँ पे इनको पानी भी देते हैं, सिंचाई करते हैं इसमें, तो उसका भी पैसा दिया जाता है। तो किसान भाई बहन मन कहूँ, ये जानकारी कैसे लग लग बेस है नहीं तो सेले तुम कही ला कि अगर राउटिन गांव टोला महल्ला बस्ती में इसे जानकारी है तो रोडमन जानकारी के जरूर दे। तो पता लिखू, पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। प्रोमन एक साथ विदा देव मकिल एह दिन और एह बेरा और भेंट हुई, तब तक नमस्कार जोहार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।